सिर्फ इस सीन के लिए पूरी मूवी को ए रेटिंग मिली है। फक ऑफ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो फाइनली आई वॉच डीमन स्लेयर न्यू मूवी इन द थिएटर। मूवी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें डीमन स्लेयर के सेकंड सीजन यानी इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्ट के जो फाइनल दो एपिसोड है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। वो दोस्तों इसका जो सेकंड हाफ होता है उसमें हमें थर्ड सीजन यानी स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क का फ्रेश न्यू एपिसोड देखने के लिए भी मिलता है। तो इससे पहले दोस्तों कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मूवी को देखते वक्त मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, इज इट वर्थ इट और इट जस्ट अ चीप टैक्टिक टू ग्रैब सम मनी फ्रॉम ऑडियंस, क्या इस मूवी को हमें देखने जाना चाहिए या नहीं देखने जाना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि डीमन स्लेयर की जो प्रीवियस मूवी आई थी द म्यूगन ट्रेन ना कि सिर्फ लोगों को ज्यादा प्रभावित किया, इसके साथ साथ मूवी ने काफी शानदार बिजनेस भी किया था दोस्तों। करीबन 500 मिलियन डॉलर्स की कमाई भी की थी जिससे ये मूवी बन गई थी उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ द ईयर दोस्तों। लेकिन ये मूवी जो डीमन स्लेयर की आई है क्या हमें वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है जो हमें म्यूगन ट्रेन देखते वक्त आया था? तो दोस्तों मेरा जवाब होगा उतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं देती है। लेकिन दोस्तों जब हम पूरी कम्युनिटी के साथ थिएटर में एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका मजा अलग ही होता है दोस्तों। और वो सीक्वेंस स्पेशली बिटवीन तेंगेन उजोई वर्सेस गियोतारो की जो फाइट होती है दोस्तों वो काफी शानदार फाइट होती है और उसे न जाने मैं अपने मोबाइल और लैपटॉप पे कितनी बार देख चुका हूँ और जितनी बार भी वो फाइट देखता हूँ ना दोस्तों लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है इन्फिनिटी कैस्टल में अपर मून की मीटिंग जहाँ पे सारे अपर मून गैदर होते हैं, जहाँ पे हमें मुजान भी देखने के लिए मिलता है जिसकी शुरुआत होती है अकाजा से और एक के बाद एक अपर मून का इंट्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है और उसी दौरान अपर मून वन का भी फेस रिवील किया जाता है दोस्तों जो कि काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा था। इन्फिनिटी कैस्टल की बात करूं दोस्तों तो इन्फिनिटी कैस्टल को जो एग्जीक्यूट करा गया है उसका जो कैमरा वर्क है जो एनिमेशन है वो काफी नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। और हाल ही में डीमन स्लेयर के प्रोडक्शन हाउस यानी यूफो टेबल ने अनाउंस किया था कि कैसे वो डीमन स्लेयर के एनिमेशन डिपार्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं और वाकई दिखता भी है दोस्तों। और जो मुझे डिटेलिंग देखने के लिए मिली है दैट वॉज टू गुड। और सीन शिफ्ट होता है तांजिरो पे जो ऑलरेडी 2 महीने से कोमा में है आफ्टर द इंटेंस फाइट विद दाकी एंड गियोतारो और उस फाइट के दौरान तांजिरो अपनी स्वॉर्ड को ब्रेक कर लेता है और वो नई स्वॉर्ड लेने के लिए जाता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज और उसी दौरान हमें देखने के लिए मिलता है मित्सुरी यानी लव आशिरा का बाथिंग सीन एंड दैट वॉज नथिंग। एक्चुअली नथिंग, क्योंकि हमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है जिस वजह से इस मूवी को ए रेटिंग मिली है। और जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि डीमन स्लेयर एक शोनन एनिमे और शोनन एनिमे की जो ऑडियंस होती है वो 13 से 18 साल के बीच में होती है, मूवी को ए रेटिंग मिल जाना आई थिंक मूवी के लिए काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। लेकिन काफी सारे एनिमे फैंस ये सोच रहे होंगे कि क्या ये मूवी वर्थ इट है, क्या हमें ये मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं देखने जाना चाहिए। तो इस चीज का जवाब देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये ख्याल मेरे मन में भी आया था कि क्या मूवी मैं देखने जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन इस चीज को जब मैंने थिएटर में एक्सपीरियंस किया पूरी कम्युनिटी के साथ तो उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहा दोस्तों। यहाँ तक कि एज रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी थिएटर में इतने सारे लोगों का मौजूद होना बताता है कि डीमन स्लेयर का जो फैन बेस है वो कितना ज्यादा तगड़ा है दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों मैंने इसकी मांगा भी पढ़ रखी है और सारी चीजें पता होने के बावजूद भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मूवी को देखते वक्त वो काफी शानदार रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे ये तो नहीं कहने वाला हूँ कि आपको ये मूवी देखनी जानी चाहिए या नहीं देखनी जानी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में एनिमे और एनिमे कम्युनिटी और ग्रो करे तो इन सब चीज़ों के लिए एनिमे को सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और एनिमे को सपोर्ट करने के लिए हम सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा ताकि एनिमे कम्युनिटी और तेज़ी से ग्रो हो और हमें और ज़्यादा मूवीज़ देखने के लिए मिले।